है वेलकम बैक ऑल डियर टीचर्स। तो मैं पिछले वीडियो में यूडाइस पास को लेके जो अपडेट दिया था, आई थिंक आप सबको बहुत हेल्प किया है वो वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बाकी जो भी काम है वो कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो मैंने जो स्टूडेंट मॉड्यूल है उसको मैंने ओपन किया है, एंड जो एकेडमिक ईयर 2023-24 है उसको मैंने अभी टच किया। तो अभी देखिए, सबसे पहले बात क्या है, जब तक आप जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उस तक मैंने कल पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ अपडेट दिया था। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत होगा तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं एंड आपका जो भी काम है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कम्प्लीट करना होगा, एंड कम्प्लीट करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यू समरी पे जाके एक बार चेक करने के लिए। तो वहाँ पे अगर जब चेक करेंगे, जब सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बैक करके आइए, एंड बैक करने के बाद आप अपना जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि कैसे सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको ऐसा पेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि स्कूल्स प्रोग्रेशन प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। तो ये अभी फाइनलाइज्ड हो चुका है। तो इसको करने के बाद अभी समझ लीजिए कि एक नया एडमिशन हुआ है आपका स्कूल में, क्लास 2 में 3 में 4 में 5 में कहीं पे भी, अगर 1 को छोड़ के तो कहीं पे भी अगर हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट मॉड्यूल पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, गो पे जाके, एंड वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट का PEN यानी परमानेंट एडुकेशन नंबर है, जो परमानेंट एडुकेशन नंबर है हर स्टूडेंट के पास है, वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर है तो आप यहाँ पे इसको डालिए, अगर नहीं है तो इसको कैसे जनरेट करना होगा यानी कैसे इसको आपको मिल सकता है वो प्रोसेस है। आधार नंबर या फिर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आप इधर डाल के सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डालिए, गो मारिए। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप उस स्टूडेंट को अपना स्कूल में ऐड कर सकते हैं। यानी अभी जो न्यू एडमिशन होगा वो सिर्फ क्लास 1 में ही होगा, बाकी को सिर्फ आपको इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे एडमिशन हुआ है तो उसको आप इंपोर्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो TC लेके उस स्कूल से आउट हुआ है तो वो और एक जगह पे रहेगा, और इसका जैसे ही आप स्टूडेंट का एडुकेशन नंबर इधर डालेंगे तो वो इधर आ जाएगा, शो होगा, एंड उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपना स्कूल में। जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा वो आपको इधर फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो आप लोग कर लेंगे। करने के बाद तो देखिए न्यू एंट्री का समय आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 1 में न्यू एंट्री देना है। तो वो देने के लिए आपको जाना पड़ेगा फिर से स्कूल डैशबोर्ड पे। स्कूल डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको देख सकते हैं आप लोग कि वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट जो एड स्टूडेंट वो सिर्फ क्लास 1 में ही है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। एंड अगर आपने जो प्रोग्रेशन का डाटा जो वो अगर कंप्लीट कर लिए है तो आप इधर अगर क्लास 2 3 4 5 6 7 8 कहीं पे भी टच करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन पे व्यू एंड मैनेज, यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा स्टूडेंट अभी आ चुका है। पहले इधर आएगा नहीं, अगर आप नहीं करेंगे आप प्रोग्रेशन तो वो आएगा नहीं, जैसे ही प्रोग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो सारा स्टूडेंट डिटेल्स इधर शो होगा। तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंड जैसे इधर देखिए एक लिखा हुआ है कि एंट्री स्टेटस नॉट स्टार्टेड, वो क्यों लिखा हुआ है, इसको कैसे कंप्लीट करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बस बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए एक बार बैक करके हम लोग पहले क्लास 1 पे जाते हैं, एंड वहाँ पे कैसे स्टूडेंट एंट्री किया जाता है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छा है कि आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाए एंड ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करें। तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए इधर सारा डिटेल्स आएगा, पहले स्टूडेंट नेम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे स्टूडेंट नेम डालेंगे, समझ लीजिए मैं कोई भी एक डालता हूँ कि राज, एंड मैंने एक स्पेस दिया कुमार दिया, कुमार देने के बाद मेरे और एक स्पेस आया तो इसीलिए वो रेड ऑप्शन पे बहुत सारा लिखा हुआ है कि न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर एंड डबल स्पेस नॉट अलाउड। तो आपको इधर लास्ट में जो आपने लिखा है उसके बाद आपको स्पेस नहीं देना है, अगर देंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा तो वो आपके लिए अपडेट करने में मुश्किल होगा। तो ये आप दे देंगे, यहाँ पे जितना भी डिटेल्स है वो तो आपको फिलअप करना ही है, एंड वो आपके पास होगा, एंड होने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो ये स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप जैसे ही ऐड करेंगे ये ऐड हो जाएगा,
एंड ऐसे ऐसे करके हर स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट आपका स्कूल में है वो आ जाएगा। एंड उसके बाद इसका जो स्टूडेंट जो परमानेंट एडुकेशन नंबर है वो भी आ जाएगा। वो कब आएगा? जब इधर इन प्रोग्रेशन को आप फाइनल करेंगे। तो वो कैसे करना है मैं चलिए एक बार दिखाता हूँ। आप जैसे स्टूडेंट को ऐड करेंगे वो ऐसा आएगा, ठीक है। ऐड स्टूडेंट करने के बाद, स्टूडेंट ऐड करने के बाद ऐसा सेम टू सेम आएगा यहाँ पे। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है कि फॉर्म स्टेटस, ठीक है। फॉर्म स्टेटस के नीचे एकदम ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अभी देखिए ये आपने डिटेल्स डाला है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको इस डिटेल्स को कहीं पे भी एडिट करना है तो ये जनरल पे जाके क्लिक करिएगा। जनरल पे जाके क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं मोबाइल पे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है, आप जैसे ही करेंगे हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने अभी इसको पहले जस्ट ऐड किया है तो इसलिए वो जनरल पे नहीं हो रहा है। आप और एक मैंने जो पिछला वीडियो डाला था, आप एक टीचर का एक क्वेश्चन था कि सर जो ऑलरेडी आप अपलोडेड स्टूडेंट है उन स्टूडेंट का डिटेल्स को एडिट कैसे करूँ, तो वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। तो ये मैंने स्टूडेंट डिटेल्स अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अगर किसी को भी अपलोड करने के बाद एडिट करने का मन है तो इस जनरल का ऑप्शन अभी इधर नहीं आ रहा है नेटवर्क के कारण। इस जनरल पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से आ जाएगा। एंड आने के बाद अपना जो भी डिटेल्स अपना एडिट करना है बुक करके अपडेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो अपडेट करने के बाद देखिए फिर से जब जैसे ही आप खोलेंगे तो एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट डाटा, तो आपको क्या करना है कंप्लीट डाटा पे क्लिक करना है। तो ये मैंने कंप्लीट डाटा पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आया है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए ऑल फॉर्म्स नॉट कंप्लीटेड येट, प्लीज़ सबमिट डिटेल्स ऑल फ्रॉम इंडिविजुअली। तो देखिए कुछ कुछ डिटेल्स है वो अभी इधर पूरा पूरी अपना फिल नहीं हुआ है, इसके कारण वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए इसको पहले हम लोग एक बार कंप्लीट कर देते हैं। सो देखिए जो मैंने क्लास वन पे ऐड किया था उसको चलिए एक बार उसका जितना भी डिटेल्स है वो कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, तो एक बार करके आप बैक चले जाइए पहला पेज पे। तो और एक बार बैक कर देते हैं तो ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन पे आ चुका है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जाके आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसको देने के बाद आपको अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद ये देखिए अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज लेके जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे जितना भी डिटेल्स है जैसे एडमिशन नंबर, सेक्शन, एडमिशन डेट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो एक बार करके आपको सेव दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए मैंने दिया नहीं अभी। तो आपको क्या करना है, सेव करना है। तो अभी इधर सेव नहीं होगा, तो जैसे आप देंगे तो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप नेक्स्ट करिए या ऑटोमेटिकली नेक्स्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी का स्टूडेंट पे जितना भी डिटेल्स है वो आपको इधर फुलफ़िल करना है। एंड फुलफ़िल करने के बाद इसको भी सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से कंप्लीट होता है। तो चलिए इसी प्रोसेस से कंप्लीट करने के बाद ही इधर जो पहले आपको इन प्रोग्रेस दिखाई देता है वो इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरे क्लास में जाके आप लोगों को एक करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा क्लास फाइव का स्टूडेंट है तो यहाँ पे देखिए इधर देखिए जो एंट्री स्टेटस है वो कंप्लीटेड है क्योंकि ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इधर देखिए वो सारा कुछ ग्रीन पे आ जाएगा एंड बाकी का सब रेड में है, ठीक है। तो जो टीचर का क्वेश्चन था कि इसको कैसे एडिट करें, तो एडिट करने से सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाके सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा एंड फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करके वो फाइनलाइज करना पड़ेगा। करने के बाद ही आप इधर एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए कोई भी क्लास का अगर स्टूडेंट है उसको एडिट करने के लिए व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करिए एंड उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करिए, फॉर्म स्टेटस कॉलम पे है। एंड उसके बाद आने के बाद आप बैक क्लिक करिए। बैक क्लिक करके एकदम पहले पेज पे आ जाइए जहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट का जितना भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो पहले इधर डालिए। डालने के बाद आप अपडेट करिए।
एंड उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करके सारा पेज को एक एक, एक बार सारा डिटेल्स फिल करके आपको सेव क्लिक करना है। सेव क्लिक करने के बाद जब स्टूडेंट के एकदम लास्ट ऑप्शन पे आएगा जो ये वाला ऑप्शन है, इस पे आने के बाद जो जनरल इन्फॉर्मेशन से लेके सब कुछ इन्फॉर्मेशन जब इधर फिलअप हो जाएगा तो आप कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट होगा। एंड कंप्लीट होने के बाद ही आपका पूरा डाइश का काम ख़त्म होगा, तब भी ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद लास्ट आपको एक जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को सारा काम कंप्लीट करना है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि कैसे काम कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाके वो सब कुछ कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप ऐड स्टूडेंट पे आइए, क्लास वन पे आप न्यू स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्टूडेंट का एडमिशन क्लास 2, 3, 4, 5 में हुआ है तो उसको आप इम्पोर्ट स्टूडेंट पे जाके ही इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे न्यू एडमिशन होगा, न्यू स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा। न्यू स्टूडेंट ऐड करने के बाद भी आपको कंप्लीट डाटा पे क्लिक करके ही सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड बाकी का जो क्लास है यानी क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, उस पर आपको पहले प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आना है। एंड सब कुछ कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट डाटा पे क्लिक करके आपको इस स्टेटस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इतना ही काम है। तो अभी भी अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन कैसे किया जाए। थैंक यू।